हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास एट्थ की ना जो ये आपको डीओई की तरफ से क्वेश्चन बैंक मिला है ना, लेटेस्ट एडिशन का ही क्वेश्चन बैंक है ये 2024-25। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, रैशनल नंबर्स। तो आज मैं आपको क्वेश्चन 17 कराने वाली हूँ। आंसर पेज आपको ऑलरेडी दे रखा है, बट डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऊपर के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कीजिए। देखिए आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ लिख लेते हैं। तो माइनस का 1/4 है, मल्टीप्लाई में 4/7 है। प्लस का 7/2 है, माइनस का 3/7 है, मल्टीप्लाई में 1/6। देखो 4 से 4 कट गया, माइनस का 1/7 बचा, प्लस का 7/2 ऐसी है। 3 से इसको काट दिया, 2 आ गया, तो माइनस का 1/14 बचा, ठीक है। बेस सेम करेंगे तो एलसीएम 14 आ जाएगा। 7 की टेबल में 14 2 पे आता है, 2 की टेबल में 14 7 पे आता है, 7 जब 49, 14 की टेबल में 14 1 पे ही आता है। 49 में से 1 जाएगा 48, 48 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 46, और ये 14 ऐसी है। इसको 7 से कट किया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालें तो 7 3 जा हो जाएगा 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2/7। क्रॉस चेक कर लो एक बार क्योंकि आंसर पेज आपको दे रखा है। तो ये रहा आपके पास 3 2/7, क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो 3/4 डिवाइड में आपके पास 5/4, फिर डिवाइड में आपके पास 3/4, ठीक है। और यहाँ पर अगेन डिवाइड में 9/4, तो 3/4 डिवाइड में 5/4, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर आ गया 4/3। सबसे पहली बात, ब्रैकेट ओपन होगा अंदर वाला, तो इसलिए हम उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। ये तो कट गया है ना, तब आपके पास क्या बचा, 3/4 डिवाइड में बचा 5/3, और डिवाइड में ये 9/4 ऐसे ही चल रहा है। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, 3/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल बाद वाला, और ये भी डिवाइड का मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया। तो कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, पर दिख नहीं रहा कुछ कट हो रहा है ना। अच्छा, इसे रेसिप्रोकल नहीं किया ना, इसे 9/4 ही रहने दिया, 4/9 कर दो। तो 3 से ये कट गया, 3 पे 3 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, आंसर आ गया 1/5। एक बार क्रॉस चेक कर लो, आंसर सही, बिल्कुल सही है 1/5, क्लियर है। तो दो क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अब आपकी एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने आर डी शर्मा में भी किए हैं ना, चैप्टर्स आर डी शर्मा से अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। चलिए आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं पर दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।